लाइव पर देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। दुनिया का चौथा सबसे प्रभावित देश बना भारत। देश में कोरोना वायरस के नए मामले अब हर रोज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में करीब 11,000 नए मामले सामने आए हैं और करीब 400 लोगों की मौत हुई है। जहां पिछले एक हफ्ते से रोज 10,000 के मामले सामने आ रहे थे, वहीं पिछले 24 घंटे में सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आने वाले देशों में अब भारत भी शामिल हो चुका है। देश में कोरोना के कुल मामले करीब 3 लाख के ऊपर पहुंच चुके हैं और इसी के साथ भारत अब दुनिया में कोरोना वायरस से प्रभावित चौथा देश बन गया है। टेस्टिंग के मामले में भी भारत अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में करीब 54 लाख लोगों का कोरोना वायरस टेस्ट हो चुका है और एक दिन में रोज करीब 1.5 लाख टेस्ट हो रहे हैं। जल्द ही ये रफ्तार 2 लाख टेस्ट प्रतिदिन तक पहुँच सकती है। इधर महाराष्ट्र कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में पहले नंबर पर बना हुआ है। यहां संक्रमण की रफ्तार बेलगाम हो चुकी है। अब इसकी चपेट में नामचीन हस्तियां और सरकार के मंत्री भी आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्री एनसीपी नेता धनंजय मुंडे अब कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी के साथ उनका पर्सनल स्टाफ भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। उद्धव सरकार में जितेंद्र आव्हाड और अशोक चौहान के साथ धनंजय मुंडे महाराष्ट्र के तीसरे कैबिनेट मंत्री हैं जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पिछले कुछ दिनों से राज्य में कोरोना संक्रमित मामलों में लोगों का मर जाना अब हर रोज की खबरों में शुमार हो गया है। पिछले 24 घंटे में 152 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं कुल मिलाकर अब तक महाराष्ट्र में 3,590 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं राजधानी मुंबई में 54,085 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें 1,954 लोगों की मौत हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना वायरस तेजी से अपने पांव पसार रहा है। पिछले एक हफ्ते से दिल्ली में रोज 1,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कल अकेले एक दिन में यहां 1,800 से ज्यादा रिकॉर्ड केस दर्ज किए गए हैं। जिस तरह से वायरस फैल रहा है, ऐसे में लोगों के मन में लॉकडाउन की सख्ती से लगाने के सवाल उठ रहे थे, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में लॉकडाउन न बढ़ाए जाने का बयान जारी कर सभी अटकलों को खत्म कर दिया है। दिल्ली में कोरोना वायरस से मरने वालों के आंकड़ों को लेकर भी विवाद हो रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार के आंकड़े और दिल्ली एमसीडी के आंकड़ों में अंतर है। दिल्ली एमसीडी की ओर से कोरोना से पीड़ित 2,000 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया है, जबकि दिल्ली 1,000 लोगों की ही मौत दर्ज हुई है। ऐसे में इस पर विवाद उठना लाजमी है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।